ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश थी। हमारे देश के कई सारे राज्यों को दहलाने की पाकिस्तान ने ये साजिश रची थी और उसमें न सिर्फ दिल्ली, ये दिल्ली के इलाके हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली में भी भीड़ भाड़ वाले इलाके, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर, हर बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र भी इनके निशाने पर था, मुंबई और पुणे खास तौर से इन आतंकवादियों के निशाने पर थे जहां पर ये धमाके करना चाहते थे। तो ये वो तमाम इलाके हैं, हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा बाकी नहीं था जहां पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक आतंकी साजिश नहीं रची थी। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दहलाने का एक आतंकी प्लान तैयार कर रखा था। दस शहरों में हुई छापेमारी, छह राज्यों को दहलाने की साजिश, संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी से बड़ा खतरा टल गया। लेकिन ये गिरफ्तारी हुई कैसे, आपको समझाते हैं। दिल्ली पुलिस को केंद्रीय खुफिया एजेंसी से एक इनपुट मिला जिसमें बताया गया कि आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ से तैयार एक मॉड्यूल भारत में आतंकी हमले की फिराक में है। पुलिस ने दिल्ली के ओखला और महाराष्ट्र में इस मॉड्यूल से जुड़े स्लीपिंग सेल पर फोकस किया। बस फिर क्या था, राजस्थान के कोटा से मुंबई निवासी जान मोहम्मद उर्फ समीर को धर दबोचा गया। इससे मिली लीड के आधार पर दिल्ली के जामिया से उसामा उर्फ सामी को पकड़ा गया और फिर सराय काले खान से मोहम्मद अबू बकर की गिरफ्तारी हुई। शुरुआती जांच में सामने आई डिटेल से पता चला है कि उसामा और जीशान को धमाकों को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया था, वहीं अंडरवर्ल्ड के गुर्गे जान मोहम्मद को हथियारों की डिलीवरी करनी थी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस और उत्तर प्रदेश की एटीएस ने ज्वाइंट तफ्तीश शुरू कर दी है। जांच की दिशा क्या होगी, आपको पांच पॉइंट में समझाते हैं। पॉइंट नंबर एक, हैंड ग्रेनेड, आईईडी और हथियार कहां से मिले थे। पॉइंट नंबर दो, किन लोगों ने आतंकी साजिश में मदद की। पॉइंट नंबर तीन, किन इलाकों की रेकी की थी, कितने लोग शामिल थे। पॉइंट नंबर चार, आतंकी हमले का पूरा प्लान क्या था। पॉइंट नंबर पाँच, आतंकी साजिश के नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं। स्पेशल सेल की टीम लगातार इसी जगह पर लोधी रोड ऑफिस में पूछताछ कर रही है। पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि जो छह लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के कोटा में चलती ट्रेन से जो समीर पकड़ा गया, दिल्ली से जो पकड़ा गया, इन सब के अलावा इस पूरी साजिश में और कौन कौन शामिल रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जो पूरा मॉड्यूल था इसके दो कंपोनेंट थे, एक जिसे अंडरवर्ल्ड निर्देश दे रहा था, दूसरा जिसे आईएसआई, अंडरवर्ल्ड जिसे निर्देश दे रहा था उसका काम यह था कि वो एक तो फंडिंग करे हवाला के जरिए, दूसरा उनके लोगों का काम यह था कि जो हथियार और विस्फोटक पहुंचे हैं उन्हें उन जगहों पर पहुंचाना था जहां आईएसआई टारगेट सेट करता, तो वहां पर पहुंचाने का काम था। और आईएसआई के जो आतंकी थे उनका यह काम था कि वो जो टारगेट सेलेक्ट करते और वहां पर बम को प्लांट करते, तो इस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम देना था।